वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 18। अब से पहले हमने एक से लेकर 17 तक जितने भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके हमने डिस्कस कर लिया। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। ये सभी आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री के, उनकी हम बात कर रहे हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि सभी प्रकार के वीडियोज आपको मिलते रहें और आप बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लेना, ठीक। और अगर आपको ज़्यादा मैटर चाहिए पढ़ने के लिए तो इसकी एक साइट है www.paperhacker.in पर जाएंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स हो गए आपके, बुक्स पीडीएफ हो गई, ठीक है, और वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे और वीडियो की जितनी भी प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। तो आज हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि पूछ रहा है आणविक बलों के आधार पर पॉलीमर का वर्गीकरण कीजिए। पॉलीमर पढ़ा था, पॉलीमर बनता है तो क्या होता है, छोटे छोटे अणु क्या करते हैं आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, लंबी चेन बना लेते हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं पॉलीमर या बहुलक, ठीक है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी बहुलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुलीकरण। अब जो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, मान लो ए ए ये क्या है, मान लो ए के बहुत सारे अणु एन मॉलिक्यूल ऑफ ए जब मिले तो क्या बन गया, ए ए ए ए, ठीक है, ये क्या बन गया, बहुलक, ठीक है, क्या बन गया आपका, बहुलक बन गया। सपोज करो अब ये जब बहुलक बना है तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कार्य कर रहा होगा ना। ए जो है वो दूसरे ए से किस बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, किस बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, उनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, उसी के आधार पर हमें इसका क्या करना है, वर्गीकरण करना है, किसका, पॉलीमर्स का, ठीक है। तो यही पढ़ेंगे हम, आणविक बलों के आधार पर, किसके आधार पर, आणविक बलों के आधार पर सभी पॉलीमर्स का हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हम बात करते हैं आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण, क्या, आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, एक एक करके आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ये चार भाग आपके जो है दे रखे हैं, कौन कौन से, सबसे पहला है आपका प्रत्यास्थ, क्या है, प्रत्यास्थ लग, क्या है, प्रत्यास्थ लग, या कहते हैं इलास्टोमर, क्या कहते हैं, इलास्टोमर, जो जिनको थोड़ा स्ट्रेच किया जा सकता है, फाइबर, क्या होते हैं, दूसरा है फाइबर, थर्ड आपका है थर्मोप्लास्टिक, फोर्थ है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये पांच आपके पॉलीमर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, ठीक है, इनके अणुओं के बीच में कौन सा बल जो है कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रत्यास्थ लग की, क्या, प्रत्यास्थ लग या इलास्टोमर, क्या है, इलास्टोमर, तो ये कौन से बहुलक होते हैं, कह रहा है ये वे बहुलक हैं, कौन से, जिनमें बहुलक श्रृंखलाएं दुर्बल बलों से जुड़े रहते हैं, यानी कि जो आपकी बहुलक श्रृंखलाएं हैं छोटे छोटे अणु मिलकर एक लंबी चेन का निर्माण कर रहे हैं, तो वो छोटे छोटे अणु आपस में एक दुर्बल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, दुर्बल बलों से आपस में जुड़े रहते हैं, और उच्च स्तरीय विकृति के कारण ये अमार्फस बहुलक होते हैं। कैसे होते हैं आपके, अमार्फस बहुलक, या इन्हें कह सकते हैं अक्रिस्टलीय बहुलक, क्या कहते हैं, अमार्फस या अक्रिस्टलीय बहुलक, ठीक है। कह रहे हैं कमजोर बलों के कारण ये पॉलीमर 10 गुना लंबाई तक खिंच जाते हैं। इनके बीच में जो बल होता है वो कैसा होता है, कमजोर होता है, ठीक है, वीक फोर्स होता है, तो इनको खींचने पर ये लगभग अपनी लंबाई के 10 गुना तक खिंच जाते हैं, ठीक है। मान लो इतना बड़ा कोई आपका प्रत्यास्थ बहुलक है, इसको खींचने पर ये कितना हो जाएगा, इतना तक हो जाएगा, फिर से अगर उसको छोड़ दोगे तो ये फिर दोबारा से अपने उसी फॉर्म में आ जाएगा जो पहले था, कह रहा है। और प्रत्यक्ष बल को हटा देने से यह पुनः उसी स्थिति में आ जाता है, जो बल हमने इस पर लगाया था, जिस बल से हम खींच रहे थे, उस बल को हटा दें, अगर छोड़ दें तो उसी कंडीशन में पहुंच जाता है जहां ये पहले था, ठीक है, जिसकी इतनी इसकी पहले लंबाई थी। कह रहा है ये बहुलक रेंडमली क्वाइल्ड, कैसे होते हैं आपके, रेंडमली क्वाइल्ड होते हैं, या क्वाइल के आकार के होते हैं, ठीक है, रेंडमली मीन्स अनियमित, क्या होता है, अनियमित,
अनियमित कॉइल के आणविक श्रृंखला वाले होते हैं जिनके कुछ क्रॉस लिंक होते हैं। क्या होते हैं? जिनके कुछ क्रॉस लिंक होते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया आपका। नेक्स्ट डी आपका क्या है? फाइबर। दूसरा बहुलक क्या है आपका? फाइबर। फाइबर की अगर हम बात करें तो कह रहा है ये बहुलक जिनमें मजबूत अंतरांडविक बल होता है, ये जो फाइबर बहुलक होते हैं आपके पॉलीमर होते हैं, इनके अणुओं के बीच में जो बल होता है वो कैसा होता है? अधिक मजबूत होता है। कैसा होता है? मजबूत बल होता है। जैसे हाइड्रोजन बंध, इनमें उच्च मॉडुलस और उच्च तन्यता होती है। क्या होती है? उच्च मॉडुलस और उच्च तन्यता इनमें होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जरा खींचा और ये तन गए, बहुत ज़्यादा खींचने पर बहुत थोड़े बहुत ही ये तनेंगे, ठीक है। तो क्या होती है? इनमें उच्च तन्यता आपकी देखने को मिलती है। कह रहा है यह धागे नुमा बहुलक होते हैं। किसके समान होते हैं? धागे के समान होते हैं, पतले पतले होते हैं, जिनको फैब्रिक, सिल्क, टेरिलीन, नाइलॉन आदि में बुना जा सकता है। क्या? फाइबर आपके किस तरह होते हैं? धागे नुमा पॉलीमर होते हैं, जिनको हम किसकी फॉर्म में बुन सकते हैं? इनसे फैब्रिक बना लो, सिल्क बना लो, टेरिलीन और नायलॉन आदि की फॉर्म में इनको हम बुन सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो सी है आपका थर्मोप्लास्टिक। क्या है? थर्मोप्लास्टिक की अगर हम बात करें तो कह रहा है वे पॉलीमर जिनमें फाइबर व इलास्टोमर के बीच आकर्षण बल होता है, दोनों के बीच का आकर्षण बल जिनमें पाया जाता है वो क्या कहलाता है आपका? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। किन के बीच का? फाइबर और इलास्टोमर। हमने देखा था कि जो आपका इलास्टोमर था वो कैसा था, उसको खींचने पर उसके बीच में जो आणविक बल था वो कैसा था? कमजोर था, दुर्बल था। और आपका फाइबर में आणविक बल कैसा था? अधिक था, ठीक है, प्रबल आणविक बल है। तो इनके बीच का जो आकर्षण होता है वो किस में पाया जाता है? थर्मोप्लास्टिक में। क्या होगा? यानी कि जो आपका फाइबर होगा इनसे तो कम होगा। क्या होगा? फाइबर से कम और इलास्टोमर से अधिक। फाइबर से कम और इलास्टोमर से अधिक आकर्षण बल इनके अणुओं के बीच में पाया जाता है, तो वो क्या कहता है? वो क्या कहलाते हैं हमारे? थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। कह रहा है कमरे के ताप को, कमरे के ताप को नहीं, कमरे के ताप पर, किस पर? कमरे के ताप पर जब इनको ठंडा व गर्म करके इनको आसानी से बाधित आकार में ढाला जा सकता है। कमरे के तापमान पर इनको आप ठंडा या गर्म करके आसानी से बाधित आकारों में डाल सकते हो। मान लो जिस जो भी आपको इनका आकार चाहिए, ठीक है, जिस आकार का आपको प्लास्टिक की फॉर्म चाहिए तो इसको गर्म करके आप इस आकार में डाल सकते हो और इसी आकार का आपको बर्तन मिल जाएगा या जो भी आप प्रोडक्ट चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। इनकी पॉलीमर चेन में क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। इनकी पॉलीमर चेन में क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग मतलब ये आपका कोई पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है। अब इसी तरह का कोई लीनियर पॉलीमर इससे नीचे से आके जुड़ जाए, क्या हो जाए? इसी तरह से इसके नीचे आके जुड़ जाए तो वो कहलाती है आपकी क्रॉस लिंकिंग, लेकिन इनमें नहीं होती। ये कैसे होते हैं? आपके एक लीनियर फॉर्म में होते हैं। कह रहा है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर पॉलीमर गर्म करने पर मुलायम होते हैं और ठंडा करने पर कठोर होते हैं। क्या होते हैं? इनको अगर आप ठंडा गर्म करोगे, क्या करोगे? जो आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं गर्म करने पर ये कैसे हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। ये इनकी पहचान होती है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक अगर पूछा जाए तो क्या लिखना है? वे पॉलीमर गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। शीघ्रता से ठंडा व गर्म करने पर उत्क्रमणीय परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। किससे? शीघ्रता से ठंडा व गर्म करने पर उत्क्रमणीय परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन मतलब जो दोनों दिशाओं में चल सके, ठीक है। ऐसे भी मान लो हमने प्लास्टिक को गर्म करा तो गर्म करने के बाद अगर हमने छोड़ दिया तो वो पुनः ठंडा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? उत्क्रमणीय, पहले ठोस था, गर्म किया, फिर पिघल गया, फिर दोबारा से वो ठोस हो जाएगा, ठीक है। कुछ उदाहरण है इसके, ठीक है, किसके? थर्मोप्लास्टिक के। कौन कौन से उदाहरण है लिखे हुए हैं? चार पांच। पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी। क्या है? पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टाइरीन और पीवीसी आपके एग्जाम्पल है। किसके किसके एग्जाम्पल है आपके? थर्मोप्लास्टिक के। किसके? थर्मोप्लास्टिक के। जब तनाव लागू किया जाता है तब क्रॉस चैन सीधी हो जाती है। क्रॉस चैन कैसी हो जाएगी? अब सीधी हो जाएगी। कब? जब इन पे तनाव लागू किया जाएगा या इनको खींचा जाएगा। और
कह रहा है पॉलीमर खिंच जाता है, पॉलीमर क्या हो जाएगा आपका, खिंच जाएगा, ठीक है, खींचने पर संभवतः वैसे ही तनाव बल को कम किया जाता है, वैसे ही पॉलीमर पुनः स्थिति में आ जाता है, जैसे जब हम खींच रहे थे तो बल लगा रहे थे, अब उस बल को कम किया जाए, उसको हटा लिया जाए तो क्या होगा, वह फिर से दोबारा से अपने प्री पोजिशन में आ जाएगा, मतलब उसी स्थिति में आ जाएगा जैसा कि वो पहले था, क्योंकि दुर्बल बल कम पॉलीमर को खिंचा नहीं रहने देते, दुर्बल बल पॉलीमर को खिंचा नहीं रहने देते, पॉलीमर पे कम बल लगाने पर वो खिंचा नहीं रह सकता है, ठीक है, जब तक कि उस पर आप बल ना लगाओ ज़्यादा। डी आपका है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, क्या है थर्मोसेटिंग पॉलीमर या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्या है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो कह रहा है ये पॉलीमर गर्म करने पर कैसे हो जाते हैं, कठोर व इन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, इनको अगर आप गर्म करोगे तो ये कैसे हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना थर्मोसेटिंग पॉलीमर या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनको गर्म करने पर ये कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं या इन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। ये आमतौर पर कम द्रव्यमान वाले अर्ध तरल पदार्थ मोल्ड हीटिंग से इनको बनाया जाता है, ये कैसे होते हैं, कम द्रव्यमान वाले होते हैं, ठीक है, कम द्रव्यमान वाले होते हैं और इनको किससे बनाया जाता है, मोल्ड हीटिंग से बनाया जाता है। तो ये तो था आपका आज का जो हमने पढ़ा था कि आपके पॉलीमर क्या होते हैं, आणविक बलों के आधार पर पॉलीमर का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।